Hello and welcome back to Mom's Magic. तो आज हम बनाएंगे समर स्पेशल केरी का अचार। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना केरी का अचार। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 5 किलो कच्चे आम, क्योंकि मैं ज्यादा अचार बना रही हूँ, मैं 1 साल तक इसको स्टोर करती हूँ, इसलिए मैं 5 किलो कच्चे आम ली हूँ। इसको धोकर मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया है सनलाइट में। अब देखिए इसके इस तरह से पीसेस में कट कर ले रही हूँ। तो थोड़ा बचा के कट करिएगा, हाथ ना कट जाए, थोड़ा सावधानी से इसको आराम से आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। और ये लीजिए सारे पीसेस कट होकर रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं हम मसाले की तरफ कि मसाले में हमें क्या चीज लेना है, किसको कैसे भूनना है और क्या करना है। 5 चम्मच मेथी, 5 चम्मच कलौंजी, 10 चम्मच सौंफ और 10 चम्मच राई मैंने लिया है मसालों में। तो यहाँ देखिए इसको मैंने राई और सौंफ को मिक्स कर लिया था। अब क्या करेंगे, सारे मसाले डालकर इसको भूनेंगे हम। इसको ज्यादा देर नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। कलर चेंज कर देंगे तो राई क्या होता है, कड़वापन आ जाता है राई में, कड़वाहट आ जाएगी, उसको नहीं करिए। इस तरह से बस इसको हल्का सा भूनिए। अब इसमें डालेंगे हम 10 से 15 सूखी लाल मिर्च। यहाँ में मैंने उससे ज्यादा ही लिया है, क्योंकि मसाले में थोड़ा सा तीखापन रहे तो अच्छा लगता है, अचार थोड़ा तीता रहता है तो अच्छा लगता है। इस वजह से आपको जितना भी तीखा पसंद हो उस हिसाब से सूखी लाल मिर्च ले लीजिएगा। तो इसको हम 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको दरदरा पीसेंगे। तो ये लीजिए दरदरा पीसकर रेडी है। अब देखिए इसमें मैं मिला रही हूँ 5 चम्मच हल्दी पाउडर, 250 ग्राम्स, क्योंकि अचार में नमक पड़ता है जो कि एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इसमें हम कोई एसिड नहीं डाल रहे इसको प्रिजर्व करने के लिए, तो 250 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इसमें जरूर ऐड करिएगा। इसको मैं मेजर कर करके डाल रही हूँ। हम इसमें हींग डाल रहे हैं, 1 बड़ी चम्मच हींग। यहाँ पे मैंने जो है हींग जो है बड़ी चम्मच से, मैंने बड़े वाले स्पून से लिया है, तो ये करीब होगा 20 से 30 ग्राम। और अब इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। तो सूखी लाल मिर्च ये बहुत ज्यादा तीखा है, मेरा जो सूखी लाल मिर्च जो मैं यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा कम ही डालूंगी। बट आप अगर कलर लाना चाहते हैं अचार में तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर दोनों मिला हुआ था। अब ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह से कर लीजिए मिक्स। तो जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा इसमें हम डालेंगे कटी हुई आम, या तो आप आम के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए या आम इसी में डालकर मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं मसाले इसी में डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो बर्तन है वो काफी बड़ा है तो मुझे मिक्स करने में आराम रहेगा, इसलिए मैं आम में ही सारे मसाले डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि आम के हर एक पीसेस में मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाए और इसमें अच्छी तरह से मसाले लग जाए। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। और फिर बचे हुए मसाले जो मैंने नहीं डाले थे वो भी मैं डाल दे रही हूँ, और सारे मसाले डालकर इसको मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक साफ जार लिया है, 5 किलो का मैंने जार लिया है, उसमें मैं जो है मिक्स किए हुए सारे आम
इस तरह से इसमें ऐड करें जिसमें मैंने मसाले मिक्स कर लिए हैं, और सारे इसमें आम के टुकड़े इसमें ऐड कर देंगे। तो लीजिए सब ऐड हो गया है इसमें। देखिए जार पूरा भर गया है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम तेल। इसमें मैं अभी फिलहाल आधा लीटर तेल ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल यूज करिएगा क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और सरसों की धास से ये बहुत ही अच्छा लगेगा, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट एनहांस होकर आएगा। तो इसमें आधा लीटर ऐड कर रही हूँ। बाकी अगर आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको लग रहा है कि तेल कम है तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा, पर फिलहाल आधा लीटर डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए आधा लीटर तेल डालने के बाद इसको फाइनली शेक कर मिक्स कर लीजिए ताकि थरली पूरे अचार में तेल कोट हो जाए। तो लीजिए अचार रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए इंस्टेंट अचार हमने बनाकर तैयार कर लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ भी झंझट नहीं था। तो ये देखिए अचार बनकर रेडी है, तो इसको सर्व करिए। मैं सर्व कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको तुरंत खाना है तो खा लीजिए, पर उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसको आप 10 से 15 दिन तक अगर सनलाइट में इसको अच्छी तरह से इसको सनलाइट देकर इसको कुक होने देंगे, इसमें अच्छी तरह से नमक और तेल जाएगा, पकेगा ये अच्छी तरह से, तब ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको जो है सनलाइट में जो है इसको सुखाएं, मतलब इसको सनलाइट दें। तो यहाँ देखिए हमारा इंस्टेंट आम का अचार बनकर रेडी है। ये देखिए बहुत ही इजी रेसिपी था और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि जो जो हमने मसाले यूज़ किए हैं उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तमाम रेसिपी आप देखे होंगे इसमें तमाम मसाले ऐड करने को बोलेंगे, कभी ये कभी वो, बट जो मेन होता है इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से अचार बनाने का सही तरीका है। यही सही तरीका है कि आपको अचार में जो है किस तरह से कौन सी क्वांटिटी मसालों की कैसे यूज़ करनी है। तो देखिए मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और इस तरह से आप ये आम का अचार बनाकर ज़रूर इंजॉय करिएगा। ये एक साल तक बहुत अच्छे से चल जाएगा, इसमें प्रिजर्वेटिव डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।